हमारे महोदय है और यहाँ के सारे अध्यापक अध्यापकगण और मेरे बहुत बहुत प्यारे प्यारे सब बच्चों, मैं एक तो इतना ही कहूँगा कि आज के जो बच्चे हैं दे आर मच अहेड ऑफ अस, हमसे बहुत आगे हैं और स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ने का तो अवसर नहीं मिला, लेकिन इसी तरह स्नेह से लोगों ने बुलाया है और आता जाता रहा हूँ। यहाँ मेरी बहुत रिस्पेक्टेड भाभी हमारी रानी गोदा जी हैं, इनका कोई भी आदेश मुझे नहीं लगता कि मैं टाल पाता हूँ, अनलेस कोई बहुत तबीयत ख़राब हो या कुछ और प्रॉब्लम हो। बच्चों ने बहुत अच्छा गाया, एक दो पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ आपके लिए कि प्रथम द्वितीय तृतीय अंक में एक एक अंक की दूरी है, प्रथम द्वितीय तृतीय पंक अंक में एक एक अंक की दूरी है, किसी एक को प्रथम कहे निर्णायक की मजबूरी। म्यूजिक एक सीरियस कमिटमेंट है, जैसा रूप ने कहा कि शॉर्टकट ना ढूंढे इसमें, और रूप का जादू तो आपने देख ही लिया, ऐसा जादू तोड़ना नहीं चाहता मैं। बहुत बढ़िया, मेरे बहुत अजीज हैं रूप और सोनाली दोनों, और काम करते रहते हैं अक्सर, कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं, और अभी बहुत कुछ इनके साथ आगे भी करना है मुझे। आपको क्या सुनाऊँ, क्या क्या पेश करूँ आपके लिए? बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, तो मैं खासतौर से जो संगीत से जुड़ी हुई हूँ, अच्छा लगा आकर के, और वो लोग जो इतनी प्यारी प्यारी कॉम्पोजिशन सुना रहे थे, तो लग रहा था कि हमारा जो ट्रेजर है, जो हमारी हेरिटेज है, इंडियन कल्चर है, वो मुझे लगता है कि सही दिशा में जा रहा है और सही लोगों के हाथ में, जो उनको टीचर्स ने जिस तरीके से ट्रेन किया है, इट इज़ सुपर्ब। और आई विश फॉर मेघ मल्हार इट्स अ ग्रैंड सक्सेस, और लोग इसी तरीके से बेहतरीन हर साल इसको आगे बढ़ाते लेकर के जाएं और बेहतरीन से बेहतरीन सॉन्ग्स गाते। तो ये जितना करो उतना ही कम है, मैं कोई अनोखा काम नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट अ थॉट, एक प्रयास है कि इस जनरेशन को आगे लेके बढ़ना चाहिए, वो एक तरीके से, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। सी, मैं हमेशा कहता आया हूँ, खाली एजुकेशन इज़ नॉट द ओनली थिंग विच कैन टेक द यूथ फॉरवर्ड। हर बच्चे में कोई ना कोई अपनी आइडेंटिटी है, कोई अपनी पहचान है, वो उसको किस तरीके से आगे फॉर्मेट लेके बढ़ता है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है अभी, इट्स टू प्री मैच्योर टू टॉक अबाउट इट, बट या आने वाले दिनों में मुझे लगता है, जो आपने अभी अभी मुझे एक सवाल पूछा है, शायद मैं इसको जवाब देने योग्य रहूँगा कि डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर, इन द डेज टू कम, इन द मंथ्स टू कम, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो जाएगी जो बच्चों, जो बच्चे इस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो भी शायद वहाँ पहुँच जाए। हर आदमी अपने बचपन को हमेशा इतनी बारीकी से याद रखता है, और आप बिलीव करो, इस जगह पे पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि यार काश वो बचपन। प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है ये, जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत इनोसेंस का प्लेटफॉर्म है, और मेघ मल्हार जो तीसरी बार हो रहा है, मुझे खुशी हुई है कि मैं इसका हिस्सा बनाऊं, और इतना यूथ, इतना टैलेंट है, और इतनी मस्ती है, सबसे ज़्यादा सब में मस्ती देख रहा था, एक दूसरे के हाथ दबा रहे थे, एक दूसरे के साथ चीज़ें कर रहे थे, और उसी में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था देखने में कि कैसे इन लोगों ने तैयारी करी है, सिंक कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ एक दूसरे को आँखें दिखा रही, तो गलत गा रही है, इस तरह के एक्सप्रेशन चल। The future in totality. That's what even our Prime Minister says today. The youth is a powerhouse, and if you are nurtured well, you will rock the nation. Gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.